हेलो दोस्तों, इस धरती के सबसे होशियार प्राणी के बारे में आज बात करेंगे। इस धरती पर मानव ही सबसे होशियार प्राणी है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें कुछ प्राणी शाकाहारी है और कुछ प्राणी मांसाहारी है और कुछ दोनों भी है। मानव प्राणी शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। किसी भी प्राणी का बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है, चलने और खाने की अकल उसमें पैदाइशी होती है। इंसान का बच्चा दुनिया में जन्म लेता है, खाने पीने चलने में उसको वक्त लगता है। पैदाइशी सॉफ्टवेयर इन चीज़ों का नहीं होता, धीरे धीरे सीखता है। तो हम इंसानों में चार कैटेगरी आती है। नंबर एक, देखकर सीखने वाले। नंबर दो, सुनकर सीखने वाले। नंबर तीन, गिर के उठने के बाद सीखने वाले। नंबर चार, बार बार गिरने के बाद भी नहीं सीखने वाले। तो दोस्तों, हमें समझना है हमारे अंदर कौन सी कैटेगरी की अक्ल है। दूसरों को नाम रखने से अच्छा है खुद को अंदर से चेक करें। लोगों का नेचर ऐसा है, कोई हमारे काम में गलतियां निकालता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम परफेक्ट हैं। हमें ऐसा सोचना चाहिए, गलती निकालने वाला हमारा प्रोग्रेस कर रहा है और हमें उसे थैंक्स बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि दोस्त, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सो को मिला, बहुत सो के साथ काम किया, उनमें से एक ही ऐसा बंदा है जिसने मेरे अंदर की बुराई गंदगी साफ करने की कोशिश की, इसके लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम उन्हें उनकी बुराइयाँ उनकी गलतियाँ हम उन्हें जब बताते हैं, पहले तो वो मानते नहीं, मान गए तो नाराज़ हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बार बार गलती करते हैं और उस गलती को मानते भी हैं और फिर भूल जाते हैं और उसी गलती को दोहराते रहते हैं। जैसे कि हर बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे को मालूम होता है कि मैं किस तरह से मेहनत करूंगा तो मेरे अच्छे नंबर से मैं पास हो जाऊंगा। जो करता है वो अच्छे नंबर से पास हो जाता है, जो नहीं करता वो अपने पिछले क्लास वालों को किस वजह से नाकामयाब हुआ उसकी एक्सपीरियंस बताता रहता है। कामयाबी का राज जानते सब है, मगर उस पर चलने की तैयारी करने से बहाने बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के यंगस्टर्स इस दुनिया में मेरे देश का नाम ऊँचा करें। मेड इन इंडिया पूरी दुनिया कहे।